जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे संविदा कार्मिक कौन होते हैं। संविदा कार्मिक वो होते हैं जिनकी भर्ती के समय पेपर में या कोई विज्ञापन निकला हो, विज्ञप्ति निकाली गई हो, वो संविदा कर्मी के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आते हैं कि मेडिकल ऑफिसर्स, कंसल्टेंट्स, कोऑर्डिनेटर्स, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, आयुष डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ्स, लैब टेक्नीशियंस, GNM, ANM, अकाउंटेंट्स, पैरा टीचर्स, ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत सहायक, जूनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट, इसमें JET आता है, JEN आता है, मैनेजर आता है, वो भी MIS और IEC, अदर्स। मानदेय कर्मी कौन होते हैं? आशा सहयोगिनी, आंगनवाड़ी वर्कर, सहायिका, मिड डे मील कुक हेल्पर, प्रेरक, होम गार्ड, अदर्स। प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से जो कार्यरत कार्मिक हैं उसमें कोऑर्डिनेटर्स, कंसल्टेंट्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, सिक्योरिटी गार्ड्स, वार्ड बॉय, फोर्थ कैटेगरी के, सिविल गार्ड्स, स्वीपर्स, अदर्स। और थ्रो फाउंड एजेंसी के फाउंडिंग एजेंसी में होते हैं कंसल्टेंट्स, कोऑर्डिनेटर्स, अदर, यानी कि जो पंचायत सहायक हैं, यानी कि सरकार अभी इन पर फोकस कर रही है, जो संविदा कार्मिक हैं इन पर फोकस किया जा रहा है अभी तक, यानी कि जो ग्राम पंचायत सहायक हैं वो भी एक संविदा कार्मिक ही हैं, कोई डाउट नहीं। जय हिंद।